हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मोन्या आमो आप सभी का स्वागत करता हूँ अरुणाचल का पहला ऑफिशियल टॉक शो एमएस किंगे कंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेड द टाइसन टॉक शो सीजन 4 पे को पावर्ड बाय नेसल। हमारा फूड पार्टनर है अरुणाचल हेरिटेज किचन, गुमसर डाइनिंग, जेएस जैकिया, मॉकिंग बर्ड किचन। आवर हॉस्पिटैलिटी पार्टनर इज होटल पीप्स एंड होटल ऑब्सिडियन ब्रू। आवर डिजाइन पार्टनर इज मोदा एलिगेंट एंड ओरो ब्रू। एंड आवर मीडिया पार्टनर इज वन एंड ओनली अरुण भूमि। सो गाइज, हमारे बीच एक ऐसा शख्स उपस्थित है जिसकी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पावर, उसकी पोजीशन ही काफ़ी है उसकी परिचय के लिए। और वो पावर और वो पोजीशन हासिल करने के लिए कई सारे एस्पायरेंट, कई सारे स्टूडेंट सालों लगन और मेहनत करने के बाद भी किसी किसी को हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे ईटानगर के ट्रैफिक एसपी और डॉक्टर जे संगल सर को मैं आप सभी से परिचय करना चाहूँगा। सर, आप हमारे व्यूवर्स को अपनी परिचय दे सर। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सचिन सिंगल है एंड मैं 2017 बैच से आईपीएस ऑफिसर हूँ एंड करेंटली मैं पोस्टेड हूँ एज एसपी ट्रैफिक ईटानगर कैपिटल रेंज। सो थैंक यू वंस अगेन। सर, आप कैपिटल का ईटानगर का पहला ट्रैफिक एसपी है जी, तो आप इस जब कैपिटल में एसपी बना तब से अभी तक आप क्या क्या चेंजेस लाए और क्या क्या चेंजेस देखा? देखिए, पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक सेल लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने जून में ट्रैफिक सेल को सेपरेटली बनाया गया है, जून जुलाई में। इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट को लगा कि ट्रैफिक के लिए अलग से एसपी होना ईटानगर कैपिटल रीजन में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स डे बाय डे, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं आईसीआर रीजन में, तो मुझे इसका चार्ज दिया गया फर्स्ट एसपी ट्रैफिक ईटानगर कैपिटल रेंज। स्पीड में 220 ही चलावा, रास्ता दे, हट ना। मेरा पेशेंट सीरियस है, तू रास्ता क्यों नहीं दे रहा? क्या हुआ? तूने रास्ता नहीं दिया तो मर गया मेरा पेशेंट। जिंदगी बचाएं, आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें। एंड मैंने 12 जुलाई 2023 को ज्वाइन किया था, तो ऑलमोस्ट मुझे 6-7 महीने हो गए हैं काम करते हुए एज एसपी ट्रैफिक। एंड ड्यूरिंग दिस टेन्योर बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे हमने अपने जो ईटानगर ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, सिविल पुलिस, उसको हम रेगुलरली टाइम पे ब्रीफिंग करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर सकें। हमारा फोकस जंक्शन मैनेजमेंट पे रहता है, जो इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं, चाहे वो सिविल सेक्रेटेरिएट पॉइंट हो, चाहे वो PHQ पॉइंट हो, चाहे वो आर के मिशन गेट नंबर 1 हो, एंड सो ऑन। एंड सेकेंडली, जो यहाँ पे थोड़ा पार्किंग का बहुत इशू है, एज़ यू नो, सब आप सभी को पता ही है, सिंस इट्स अ हिली स्टेट एंड ये एक ही मेन रोड है, नेशनल हाईवे 415, एंड देर इज़ शॉर्टेज ऑफ पार्किंग प्लेसेस फॉर द कम्यूटर्स। सो थोड़ा यहाँ पार्किंग का, हैपेजार्ड पार्किंग का, रॉन्गली पार्क्ड व्हीकल्स का इशू है, बट स्टिल देन वी आर मैनेजिंग एंड वी आर ट्राइंग टू गिव आर बेस्ट एंड होपफुली इन द फ्यूचर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिगार्ड टू मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम्स विल बी क्रिएटेड। Definitely, it is on the cards of the government, and things will ease out. Yeah. Thank you, sir. और सर, आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि what specific challenges do you face as a traffic inchers in Itanagar and how do you address them? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ईटानगर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि there is only one major road, National Highway 415, and almost all the economic activities are operating on this main road only. चाहे वो गंगा मार्केट हो, चाहे वो आकाशदीप मार्केट हो, चाहे वो ऑफिस स्पेसेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, एक्सेट्रा एंड सो फोर। सेकेंडली, देर आर नो प्रॉपर आई वुड से लेटरल रोड्स और फीडर रोड्स जहाँ से हम अपना ट्रैफिक को डाइवर्ट कर पाए। थर्ड इशू है पार्किंग का, थर्ड चैलेंज। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर पार्किंग के लिए प्लेसेस नहीं है कम्यूटर्स के पास, हमारे जो डेली कम्यूट करते हैं, दे डोंट हैव ऑप्शन ऑफ
पार्किंग देयर व्हीकल इन प्रॉपर प्लेसेस, तो थर्ड पार्किंग का इशू है। फोर्थ, क्योंकि यहाँ मानसून काफ़ी हैवी रहता है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, सो ये देखा गया है कि मानसून सीजन में यूजुअली रोड्स बड़ी ख़राब हालत हो जाती है, देर आर लॉट ऑफ पोर्ट होल्स, तो उनका रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो एज फार एज एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, जो हमारा ट्रैफिक सेल इज नॉट कंसर्न, मतलब ट्रैफिक सेल इज लिमिटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रैफिक जंक्शंस, ट्रैफिक रेगुलेशन, ट्रैफिक एनफोर्समेंट एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रैफिक सेल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ PWD और द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी विच कंस्ट्रक्ट्स यू नो रोड, विच कंस्ट्रक्ट्स द डिवाइडर्स एंड जंक्शंस। सो एज अ ट्रैफिक सेल, हमारा फोकस जंक्शंस मैनेजमेंट पे रहता है, ट्रैफिक रेगुलेशन पे रहता है कि जाम ना लगे, कोशिश यही रहती है, ट्रैफिक एनफोर्समेंट पे रहता है, जैसे लोग सीट बेल्ट पहने वाइल ड्राइविंग अ फोर व्हीलर, दे शुड वेयर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर, दे शुड नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग एज इट इज़ वेरी डेंजरस एंड यू नो इट कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑल्सो, सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट पार्ट। सर कभी कभार ऐसे होते हैं कि जो गाड़ी चलाते हैं सिर्फ ड्राइवर सीट बेल्ट पहनते हैं, बाकी वाला नहीं पहनते, तो अगर एक्सीडेंट होगा तो उनको भी लगेगा जी, तो आप इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तहे दिल से कि आप लोग प्लीज़ सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करिए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। इनफैक्ट उन्होंने लोगों की सेफ्टी बढ़ाने के लिए अब सीट एयरबैग्स भी मैंडेटरी कर दिए हैं, जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हैं, नाउ इट इज़ मैंडेटरी ऑन देम कि वो बेस मॉडल में भी मिनिमम 2 एयरबैग्स ज़रूर रखेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। एंड इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट देम, कि जिनके बेस मॉडल में भी 6 एयरबैग्स आते हैं। सो एंड एज फार एज सीट बेल्ट इज कंसर्न, अगर सिर्फ ड्राइवर सीट बेल्ट पहनता है एंड को पैसेंजर नहीं पहनेगा, तो इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी के जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना है उसको ज़्यादा चोट आएगा। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, और अगर आपके साथ छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसका प्लीज़ आप खास तौर से ध्यान रखिए। जो बेबी सीट्स आती हैं, जो पीछे सीट के साथ एंकर हो जाती हैं रियर सीट्स के साथ, आप उनको यूज़ करिए। तो आई वुड से कि ये तो एक बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन है, जो आई बिलीव कि हम सबको ही लेना चाहिए सीट बेल्ट पहनने का। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और ये आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस और वो ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में भी जिक्र किया, तो यहाँ में हम लोग जो है ट्रैफिक पुलिस लोग हमेशा अवेयरनेस देते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी लोग ये क्या बोलते हैं, फेक ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं और अंडरएज वाला लोग चलाते हैं गाड़ी और दारू पी के चलाते हैं, तो इंसिडेंट होते हैं, तो आप फैशन टॉक शो के माध्यम से आप व्यूवर्स लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस रिगार्ड में? देखिए मैं, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, हाँ बिल्कुल, हर सिस्टम में अपनी एक खामियां होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं। भाई सड़क पर स्टंट करना भी बच्चों का खेल नहीं है। वो बच्चों का खेल ना हमने बचपन में छोड़ दिया है, अब तो थ्रिल है। आज तेरा भाई तुझे स्टंट करके दिखाएगा। तेरे थ्रिल ने तो कर दिया तुझे स्टिल, पॉकेट खाली हो गई ना भरकर हॉस्पिटल के बिल। स्टंट बाइकिंग हीरोगिरी नहीं जीरोगिरी है, दुर्घटना के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती। सो एज यू नो एज वी आर ऑल अवेयर, इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज बट वेरी टफ टू सॉल्व द इशू। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी इश्यूज हैं हम उसको मेहनत करके सॉल्व करें। जैसे हमने दिसंबर के लास्ट वीक में, वेरी रिसेंटली 25th ऑफ दिसंबर से हमने 27-28th ऑफ दिसंबर तक हमने मिशन जीरो लॉन्च किया था ईटानगर में। उसका पर्पस ही ये था कि रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना, और उसमें हमने फोकस इसी चीज़ पे किया था, डू नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, वियर प्रॉपर हेलमेट वाइल ड्राइविंग ए टू व्हीलर, है ना, और जो माइनर्स हैं वो ना करें ड्राइव ना करें। प्लस अभी जो हमारा रोड सेफ्टी वीक अभी चल रहा है, विच वी आर सेलिब्रेटिंग एज पर द प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज,
हम उसमें फोकस कर रहे हैं इस बार ट्रिपल राइडिंग पे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस एंड माइनर्स हु आर ड्राइविंग द व्हीकल्स, जो अंडर 18 है एंड दे डोंट हैव अ प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस, सो वी आर फोकसिंग ऑन देम. तो हम वील कीप ऑन मेकिंग आर एफर्ट्स एट आर लेवल, बट साइमल्टेनियसली आई वुड रिक्वेस्ट द एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक ऑल्सो. एंड आप देखेंगे टाइम के साथ धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होंगी, मेरा विश्वास है ये. अभी मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स हैं, बट आने वाले कुछ टाइम में, 2-3 साल, 4-5 साल में चीज़ें और बेटर होंगी. जिस तेजी से अरुणाचल प्रदेश डेवलप हो रहा है, इट इज़ वेरी हैप्पी टू, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट. और आगे ये भी चीज़ें आप देखिएगा इम्प्रूव होंगी सिस्टम में. बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा. जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो ट्रैफिक का रूल्स है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करें, क्योंकि हमारे जो ईटानगर के या पूरे अरुणाचल के सभी ट्रैफिक पुलिस दिन रात मेहनत करते हैं हमारे सेफ्टी के लिए. तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो रूल्स को फॉलो करें जो हमारे लिए सर्व कर रहे हैं, हम उसको सर्व करने में और आसान बना दें. तो आप सभी से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें. और सर आपके लिए ये दूसरा सवाल ये रहेगा कि कैन यू शेयर इनसाइट्स इनटू द मेजर ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट इन ईटानगर एंड मे एनी प्लान्स टू नेविगेट देम. देखिए ईटानगर में 2-3 मेजर ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स हैं. ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स का मतलब होता है जहाँ मेजर कंजेशन होता है. पहला तो है आपका गंगा मार्केट और आकाशदीप मार्केट एरिया. सेकेंड आपका बैंक तेनाली वाला एरिया है, है ना. थर्ड आपका एनी डिपार्टमेंटल स्टोर एरिया है. एंड ट्यूसडे को अगर मार्केट लगती है तो गोपुर तेनाली में भी बहुत कंजेशन होता है. तो ये सारे हमारे ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स हैं एंड वी आर टेकिंग एडिक्वेट मेजर्स टू डील विद देम. तो हम प्रॉपर मेजर्स ले रहे हैं, जैसे प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ ड्रॉप एंड पिकअप जोन. जैसे हमने गंगा मार्केट में भी 2 नए आइडेंटिफाई करे हैं प्लेसेस, है ना. एंड वी हैव मेड देम एज पिक एंड ड्रॉप जोन फॉर टेम्पो ट्रैकर्स एंड ऑटोज. एंड वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू मोर जोन्स एंड वी विल कन्वर्ट देम इनटू द डेजिग्नेटेड एरिया फॉर टेम्पो ट्रैकर्स एंड सुमोज. प्लस हमने मोबाइल ट्रैफिक यूनिट भी लॉन्च किया ईटानगर में, जिसको MTU बोलते हैं. अगर आपने देखा होगा ईटानगर में एक बाइक रहती है ब्लू कलर की, उसमें सायरन रहता है और फ्लैशर ऑन रहता है. तो दैट इज़ आर मोबाइल ट्रैफिक यूनिट. वो हमारी ट्रैफिक सेल की बाइक है और उसका पर्पस यही रहता है ट्रैफिक रेगुलेशन करना. कि अगर कोई भी गाड़ी में बैठा है मान लीजिए और उसने अचानक से गाड़ी रोक दी है रोड पे, तो उनको हटाना वहाँ से, उनको बोलना कि आप प्लीज़ आगे करिए क्योंकि पीछे से जाम लग रहा है फिर. तो उसका ये पर्पस है. और इफ़ दी अदर पर्सन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग देन एनफोर्समेंट इज़ दी सॉल्यूशन. फिर वो एनफोर्समेंट करते हैं. तो ये हमारे स्टेप्स हैं सर. और ये जो क्लाइमेट, जब वेदर चेंजेस होते, क्लाइमेट का बात करेंगे, जब स्पेशली मानसून में काफ़ी, जब बारिश का सीजन आता है तो काफ़ी आप लोगों को तकलीफ़ें, मतलब ट्रैफिक को, मतलब वो करने में, मैनेजमेंट करने में काफ़ी तकलीफ फेस करना पड़ता है. मतलब क्या क्या तकलीफें आपको फेस करना पड़ता है? देखिए जो रूटीन के इश्यूज होते हैं इन केस ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस, अगर हैवी मानसून है तो इट इज़ वेरी टफ और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड यू नो इन दैट रेन. तो इसके लिए मैंने वेलफेयर मेजर्स भी लिए हैं अपने लेवल पे. मैं बताना चाहूँगा इस शो के माध्यम से, हमने रेनकोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमारे पूरे ट्रैफिक सेल को. जितने भी हमारे पास ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जो सिविल पुलिस हैं, सभी को मैंने रेनकोट्स दिए हैं. फिर वी हैव गॉट हेल्प फ्रॉम SBI ऑल्सो एंड हमने सभी को अम्ब्रेलाज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. सो ये छोटे छोटे स्टेप्स मैं अपने लेवल पर लेता हूँ, ताकि एक वेलफेयर भी हमारे पुलिसमैन का बहुत ज़रूरी है. तो फिर भी लेकिन हमारी ड्यूटी ऐसी है कि वी हैव टू डू इट, चाहे वहाँ बारिश हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो कोई भी मौसम हो, हमें तो अपना काम करना ही है. बिल्कुल सर. अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आर देयर स्पेसिफिक कल्चरल और लोकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ट्रैफिक बिहेवियर इन ईटानगर एंड हाउ डू यू नेविगेट देम इन योर रोल? नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी, आई वुड से स्पेसिफिक कल्चरल फैक्टर, आई डोंट थिंक सो. या लोकल फैक्टर्स आर देयर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस रिप्लाईज, कि एक सिंगल ही मेजर रोड है, नो ऑल्टरनेट रोड्स और आई वुड से फीडर रोड्स, नो प्लेस फॉर डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक, नो रोड्स फॉर डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक. देन पार्किंग, जो लैक ऑफ पार्किंग प्लेसेस है, लैक ऑफ रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके कारण एवरी कम्यूटर इज फोर्स टू यूज हिज प्राइवेट व्हीकल.
क्या हुआ? मम्मा प्लीज स्टॉप द कार। क्या हुआ ओजस? आप रॉन्ग हो। मतलब? जो रॉन्ग ड्राइव करते हैं वो रॉन्ग होते हैं। बच्चों की नजर में रॉन्ग मत बनिए, हमेशा ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। लेन ड्राइविंग इज सेफ ड्राइविंग। अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ये उतना मतलब अपना प्राइवेट व्हीकल यूज नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सारे लोकल फैक्टर्स हैं, बट सी दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी एरिया। आप कहीं पे भी जाएंगे हिंदुस्तान में, जैसे मैंने कहा, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती है। बिल्कुल। हर जगह के लोकल फैक्टर्स कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे। बिल्कुल। एंड वी हैव टू वर्क कंसिडरिंग द लोकल फैक्टर्स ओनली, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें काम करना है। बिल्कुल। या बिल्कुल सर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आर देयर एनी पर्टिकुलर ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन दैट आर एम्फसाइज्ड इन ईटानगर एंड हाउ आर दे एनफोर्स्ड? यस, देयर आर ट्रैफिक रूल्स। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भी है विद रिगार्ड टू द मोटर व्हीकल एक्ट, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, विच गिव्स अथॉरिटी टू द ट्रैफिक पुलिसमैन टू एनफोर्स वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि सीट बेल्ट ना पहनना, ट्रिपल राइडिंग करना, विदाउट हेलमेट ड्राइव करना, ड्रिंक एंड ड्राइव करना, रेड लाइट जंप करना एंड सो ऑन। तो मतलब मोटर व्हीकल एक्ट एम्पावर्स अस एंड देर आर वेरियस ड्राइविंग रेगुलेशंस ऑल्सो। सो या सर, कोई कोई यहाँ में जब ट्रैफिक वो करते, कोई कोई फॉलो नहीं करते हैं, या फिर उन लोगों को मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? या मैं ईटानगर में कभी कभी उसके वजह से जाम हो जाते हैं, कोई कोई बीच से निकल जाते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को लिए मैसेज मेरा यही है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ हमें कोऑपरेट करिए, क्योंकि कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती है। हर इंडिविजुअल का रोल इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, चाहे हमारी तरह एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो। जब सभी लोग मिलके एक डायरेक्शन में काम करते हैं, एक अच्छी डायरेक्शन में काम करते हैं, तब रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छे आते हैं। सब मिलके तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग प्लीज़ हमें कोऑपरेट करिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, इसमें आप ही की सेफ्टी है। आप घर 5 मिनट देर पहुँच जाएंगे कोई बात नहीं, बट सेफली पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे तो आपको भी चोट लग सकती है और आपसे किसी और को भी चोट लग सकती है। तो इसलिए खास तौर से जो यूथ है हमारा ईटानगर का, नाहरलगन का, वो प्लीज़ आप लोग कोई भी मतलब जो भी आप ड्राइव करते हैं, चाहे वो 2-व्हीलर हो चाहे 4-व्हीलर हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्राइव करिए, क्योंकि आपका एक सही कदम से चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। बिल्कुल। और एक गलत कदम से चीज़ें बहुत ख़राब भी हो सकती हैं। बिल्कुल। एक जिम्मेदार नागरिक बने। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपसे ये अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि कैन यू डिस्कस एनी ऑनगोइंग और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन ईटानगर डेट में इम्पैक्ट ट्रैफिक एंड हाउ आर दे बीइंग मैनेज्ड? देखिए, अभी तो ऑनगोइंग आई डोंट थिंक देर इज एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। बट एज फार एज ट्रैफिक इज कंसर्नड, वी आर प्लानिंग टू इंस्टॉल फ्यू मोर ट्रैफिक सिग्नल्स इन ईटानगर एंड सब्सिक्वेंटली इन नाहरलगन। वंस द रोड कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड इन नाहरलगन, देन वी विल इंस्टॉल दी फ्यू ट्रैफिक सिग्नल्स इन नाहरलगन एरिया ऑल्सो, बिकॉज ट्रैफिक सिग्नल्स इंश्योर्स बेसिक डिसिप्लिन। जब आपका रेड लाइट होती है तो आपको रुकना है, ग्रीन लाइट में आपको चलना है। तो जो मेजर जंक्शन है वहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स का होना बहुत ज़रूरी है। बट क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला एक ही मेजर रोड है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत शॉर्ट इंटरवल पे ना आए। देर शुड बी अ कंसिडरेबल गैप और देर शुड बी अ कंसिडरेबल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैफिक सिग्नल्स। तो फ्रॉम ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू एक ये प्रोजेक्ट है विच वी आर प्लानिंग एंड सब्सिक्वेंटली वी विल इम्प्लीमेंट इट। एंड गवर्नमेंट भी आई बिलीव दैट they are also working on the intelligent traffic management system. Subsequently it may be implemented in Itanagar and Nahrlagan region. That's it. बिल्कुल सर, एक सिविलियन को का क्या रोल होना चाहिए एक ये ट्रैफिक इशू को सॉल्व करने में? सिविलियन का मैंने आपको बताया जैसे अभी के जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करिए, लेन डिसिप्लिन को फॉलो करिए, वो बहुत ज़रूरी है। आई एम टेलिंग यू ईटानगर की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं अगर हम लेन डिसिप्लिन फॉलो करें, अगर हम अपनी लेन में ड्राइव करें, हम ओवरटेक ना करें, हम रैश ड्राइविंग ना करें, हम अननेसेसरी कहीं पर भी गाड़ी बीच में ना रोकें। और ये मेरी एडवाइस
सभी लोगों से भी है ईटानगर के नार लगन के, एंड मेरे सभी टेम्पो ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, ट्रैकर से भी है, बसेस ड्राइवर से भी है कि आप लोगों के कारण बहुत दिक्कत होता है जब आप बीच में अचानक से टेम्पो रोक देते हैं या ट्रैकर रोक देते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि जो पीछे से ट्रैफिक आ रहा है वो दो लेन में आ रहा है, आप अचानक से रोक देते हैं तो वो एक लेन हो जाती है, सो जिसके कारण जाम लगता है। तो अगर हम बेसिक लेन डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो 60-70% इश्यूज़ काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकते हैं बिल्कुल इस चीज़ से ही। और जो आपके बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको फॉलो करिए आप लोग, सीट बेल्ट पहनना, प्रॉपर नंबर प्लेट होना गाड़ी पे, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना, आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा है आसाम की बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, तो आप अपना प्रॉपर रोड टैक्स भरिए अरुणाचल गवर्नमेंट को, इफ़ यू आर ड्राइविंग एन आसाम रजिस्टर्ड व्हीकल इन अरुणाचल, जो कि रूल है। और जो भी आपका ड्राइव करते हुए आपके प्रिकॉशंस हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। तो सिविलियन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देश को आज़ादी गांधी जी ने अकेले नहीं दिलाई थी, है ना, नेहरू जी ने अकेले नहीं दिलाई, जब सारे लोग एक साथ जुड़ गए तो हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो आप देख लीजिए इतिहास में कि कोई भी समस्या को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी का एकजुट होना, पूरा उनकी शक्ति को एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वो चाहे अरुणाचल में ड्रग्स की प्रॉब्लम हो, चाहे ईटानगर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, जब तक सोसाइटी का एक्टिव सपोर्ट नहीं होगा, सिविलियंस का एक्टिव सपोर्ट नहीं होगा, तब तक वो समस्या पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सर जैसे कि कैपिटल में मेरा एक सवाल था कि अर्बन एरिया में तो हम लोग अवेयरनेस देते हैं और लोगों को पता होता है ट्रैफिक का रूल के बारे में, लेकिन जो रूरल एरिया के लोग हैं जो वहाँ में बस्ती में बसते हैं, गाँव में रहते हैं, उन लोगों को ट्रैफिक के बारे में कम ज्ञान रहता है जी। तो ये कभी मतलब रूरल में जो रहता उन लोगों के लिए अवेयरनेस या फिर कुछ ऐसा आइडिया मतलब कुछ वो तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट SP हैं उन लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ में, बिकॉज हमारा जो डोमेन है हाँ। वो सिर्फ ईटानगर नाहरलगन रीजन है, ईटानगर कैपिटल रीजन, ट्रैफिक सेल उसी के लिए बनाया गया है अलग से जो SP है। बाकी जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो रूरल में एरिया, जो रूरल विलेजेस हैं या जो एरियाज हैं वहाँ पे लोगों को नेचुरल है कि कम अवेयरनेस हो गई, तो वहाँ के कंसर्न्ड ऑफिशियल से ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग ऐसे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करें जिससे कि लोगों को अवेयर हो सके, जागरूक हो सके लोग, और जब वो अवेयर होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो रूल फॉलो भी करेंगे। वो लोग जब गांव से शहर आते हैं उन लोगों को दिक्कत होते है चलाने में, वो लोग गाड़ी तो चलाते हैं लेकिन ट्रैफिक रूल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोच रहा था कि इस फैशन टॉक्सो के ट्रू अगर वह गांव वालों को भी थोड़ा कुछ आइडिया मिले ट्रैफिक के बारे में। तो थैंक यू सर। सर बहुत सारे एस्पायरेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो UPSC या APCS क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता कि मतलब किसी किसी को, बाकी लोग तो बहुत लगान से कर रहे हैं, बहुत आइडिया है कि और कैसा सब्जेक्ट चूज करना है और सिलेबस कैसे बनाना है और इन्वायरमेंट कैसा रखना है, वो लोग कोई कोई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मेहनत करना चाहते हैं लेकिन लेकिन उसका कुछ आइडिया नहीं होता। तो उन एस्पायरेंट लोग को आप एज ए IPS ऑफिसर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एस्पायरेंट्स को तो मेरी यही एडवाइस है कि अगर आपने फैसला किया है कि आप UPSC या APCS एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ये आपका वेल इन्फॉर्म्ड और कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मतलब आपको किसी भी प्रेशर के अंडर आके इसको एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप प्रेशर में तैयारी करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। तो आपका डिसीजन होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए सबसे पहले तो, एंड सेकेंड अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एग्ज़ाम देना है और मेहनत करनी है तो फिर मेहनत करने में कोई कमी नहीं करनी है, फिर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है विद प्रॉपर फोकस, डेडिकेशन, परसिवरेंस, क्योंकि इसमें यही एक क्वालिटी है जो बेयर मिनिमम है जो चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अगर आप इन सारी क्वालिटीज़ के साथ मेहनत करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर आपकी ऊपर वाला भी हेल्प करता है, गॉड इज़ ऑल्सो देयर विद यू, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो एस्पिरेंट से यही मेरी एडवाइस है लाइक एन एल्डर ब्रदर के आप अच्छे से मेहनत करिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, हो सकता है पहली बार में ना मिले,
हो सकता है दूसरी बार में भी ना मिले, बट तीसरी बार में ज़रूर मिलेगी। हाँ, लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट भी आपको कहना चाहूँगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं वो इस एग्ज़ाम को लेके बड़े इमोशनल हो जाते हैं, वो पाँच पाँच छः छः साल अपने बर्बाद कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स बहुत हैं। अगर आपको लगता है कि आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है कंटिन्यूसली 3 अटेम्प्ट्स में, तो आई थिंक आपको चेंज कर लेना चाहिए, आपको अपनी फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए, आपको किसी और अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए, किसी और एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, इट्स नॉट योर लाइफ। तो डोंट स्पॉइल योर वेरी प्रेशियस ईयर्स ऑफ योर यूथफुल एज फॉर दिस एग्ज़ाम। हाँ, जो एक मतलब एक डिसेंट टाइम है 2 से 3 साल, वो आप दीजिए। अगर आपका नहीं होता है उसके बावजूद भी, सारे एफर्ट्स करने के बाद भी, तब आप कुछ और करिए। क्योंकि देखिए, सोसाइटी में हर किसी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है सिर्फ UPSC ऑफिसर्स या IPCS ऑफिसर्स ही आप काम कर रहे हैं। एवरीवन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन एंड द स्टेट। तो डॉक्टर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं, इंजीनियर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं, है ना, बैंक मैनेजर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं। तो आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं, क्या पता आप उस फील्ड के लिए बने हो, ज़्यादा बेटर आपको वो सूट करे वो फील्ड। तो यही मेरी एडवाइस है एस्पिरेंट्स के लिए। और सर, वो एस्पायरिंग लोग एनवायरनमेंट को कैसे बना के रखना पड़ेगा, और क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उन उसके लिए, 2-3 साल में क्या क्या सेक्रीफाइस करना है, या दोस्तों से, या सेक्रीफाइस? देखिए, सेक्रीफाइस कुछ नहीं करना है, ना कोई ज़रूरत है सेक्रीफाइस करने की। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया तब मेरा UPSC क्लियर हो गया, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, मैं अपनी फैमिली वालों के साथ बाहर जाना बंद कर दिया आउटिंग पे। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8 से 9 घंटे एक डेडिकेशन के साथ पूरे दिन भर में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। चाहे कोई 12 घंटे का है, चाहे 14 घंटे का है, 16 घंटे का है, मैंने बोला है कि 8 से 9 घंटे विद प्रॉपर फोकस एंड डेडिकेशन। इससे ज़्यादा अगर आप सिर्फ बुक खोल के बैठे हैं, तो चाहे आप 24 घंटे बैठे रहिए, उससे क्या हासिल होगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। अगर आपके सामने बुक ओपन है और आपका ध्यान कहीं और है, तो वो चाहे 24 घंटे या बैठे रहिए, दैट इज़ नॉट स्टडी। तो इसलिए आपको ज़्यादा कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बेसिक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखिए, एक हॉबी ज़रूर डेवलप करिए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम खेलना हो, चाहे म्यूज़िक से रिलेटेड हो, एक हॉबी ज़रूर रखिए, क्योंकि वो आपके बॉडी और माइंड दोनों को फ्रेश रखेगी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। क्योंकि ये मेंटली बड़ा एग्जॉस्टिव एग्ज़ाम है, ये आपको मेंटली बहुत थका देता है। तो अगर आप कुछ भी एक्टिविटी आप दिन में आधा एक घंटा प्ले करेंगे ना, तो यू विल बी वेरी फ्रेश एंड एनर्जेटिक। और अपना मोरल हाई रखिए, मोटिवेशन हाई रखिए, और सेक्रीफाइस तो आई डोंट थिंक ये कुछ इसमें करने की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक सो। सर, ये हमारे जो सवाल है शायद यही तक ख़त्म होते हैं, लेकिन मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, थाइसुन टॉक शो में आके आपको कैसा लगा? नहीं, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड मैं चाहूँगा कि मेरी जो ये बातें हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मेन पर्पस यही है यहाँ आने का, कि आप लोगों के ज़रिए हम बहुत लोगों तक कनेक्ट हो पाएँ, बहुत लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाएँ। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और ये आज के टाइम में जहाँ सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है, मतलब एवरीवन इज़ ऑन द सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, एक्सेट्रा, एवरीवन इज़ देयर। तो इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन का फ्लो है, एक ही इंफॉर्मेशन सभी लोगों के पास तुरंत पहुँच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके शो के ज़रिए जो जो मैंने बातें कही हैं या जो मैंने रिक्वेस्ट करी हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे लोगों तक पहुँचे वो बातें, जरूर, एंड वो उस पर अमल करें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए, और आपसे बात करके, आपसे रूबरू करके, गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। मैं हमारे जो थाइसुन टॉक शो के व्यूअर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, क्योंकि सर लोग जो हमारे जो कैपिटल के जो SP है हमारे डॉक्टर सचिन सर, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कैपिटल के लोग हैं कहीं इंसिडेंट ना हो, एक्सीडेंट, गाड़ी ट्रैफिक
के कारण कहीं इंसिडेंट ना हो इसीलिए, और कोई दारू पी के या फिर कोई नाबालिग लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाए, बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं ये लोग। तो आप लोग का ड्यूटी, हमारा ड्यूटी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम लोग का ये बनता है कि हम लोग इसको कोऑपरेट करें और काम को ये लोग को आसानी बनाए। और मुझे इजाज़त दीजिए ये एपिसोड ख़त्म करने के लिए, थैंक यू। ये टेम्पो और ट्रेकर का पिकअप जोन है, टेम्पो ऑटो एंड ट्रेकर्स। दिस इज ऑपोजिट गंगा मार्केट।